हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शियस डिजीज। राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा था कि हाउ इंफेक्शियस डिजीज आर क्योर, किस तरीके से हम इंफेक्शियस डिजीज जो है उससे क्योर कर सकते हैं, उसे ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। नाउ इन दिस डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कि जो प्रिवेंशन का प्रिंसिपल क्या है। जनरली प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। भाई ये अच्छा है कि डिजीज हो जाए या फिर हम उससे बचे रहे, ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन जरूरी है, अगर हम प्रिवेंट अपने आप को प्रिवेंट करेंगे डिजीज से तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, क्योंकि जब एक बार डिजीज हो जाती है बॉडी में तो उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो हो सकता है कम्प्लीटली रिकवर ना हो पाए, या फिर जब डिजीज होती है तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है उससे रिकवर होने में, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है हर चीज़ों का। तो इसीलिए क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई, क्योंकि देखिए अगर किसी पर्सन को डिजीज है, द फर्स्ट इज दैट वंस समवन हैज ए डिजीज, अगर किसी को डिजीज है देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज, उसका जो बॉडी फंक्शन है वो डैमेज हो जाए और हो सकता है वो कम्प्लीटली रिकवर ना हो पाए। इसके अलावा अगर हमें कोई डिजीज है, अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। ट्रीटमेंट में क्या होता है, टाइम लगता है। राइट, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम। अगर कोई पर्सन है उसको डिजीज है तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब उसका ट्रीटमेंट होगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा उसको, कि बेड रेस्ट कीजिए, ज़्यादा काम मत कीजिए, आराम कीजिए। तो इससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम भी लगता है और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, और आपका जो बॉडी फंक्शन है वो डैमेज होने की वजह से जो हो सकता है आपको ऐसी कोई डिजीज हो जाए जिससे आप कम्प्लीटली रिकवर ना हो पाए। राइट, जिससे आपका जो बॉडी फंक्शन है वो कम्प्लीटली पहले जैसा ना हो पाए, जैसे पहले। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को इंफेक्शियस डिजीज है तो वो स्प्रेड का सोर्स बन जाता है। जैसे कि अगर किसी को क्या है कि कॉमन कोल्ड है, राइट, तो क्या है सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होगा तो हो सकता है उसको आराम करने की जरूरत होगी, राइट, ताकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके फॉर फाइटिंग माइक्रोब्स। इसके अलावा वो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा वो क्या बन जाएगा, सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, वो इंफेक्शियस डिजीज को स्प्रेड करने का सोर्स बन जाएगा। ऑब्वियसली अगर किसी को कॉमन कोल्ड है और उसके नियर में कोई फिट करता है तो क्या होगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। राइट, वो स्नीज करेगा या फिर कफ करेगा तो उसको भी कॉमन कोल्ड से वो जो उसके नियर बैठा हुआ पर्सन भी सफर करने लगता है। तो तीन चीज़ों का वो है कि अगर ट्रीटमेंट इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से बेहतर है क्योंकि ट्रीटमेंट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का हमारा नुकसान होता है, इसके अलावा हमारी जो बॉडी फंक्शन जो डैमेज हो जाता है वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाता, और जो पर्सन है जिसको कोई डिजीज हो गई है वो स्प्रेड यानी इसके फैलाने का सोर्स बन जाता है। तो इसीलिए प्रिवेंशन क्या है, हर तरीके से बेहतर है। अगर आप अपने आप को प्रिवेंट करेंगे डिजीज से तो आप जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, आपकी जो बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है वो अपना प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, उनके फंक्शन में किसी भी तरीके कोई डैमेज नहीं होगा और आपको आपका लॉस भी किसी चीज़ का नहीं होगा। राइट, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम एन इंफेक्शियस डिजीज, हम किसी डिजीज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन का प्रिंसिपल है वो क्या है। So the principle of prevention is two. One is general way and other is specific way. जो principle है prevention का वो दो है, एक general way है और एक specific way. Specific way की study हम next lecture में करेंगे. In this particular lecture we are going to talk about only general way of prevention of infectious disease. Right? So let us talk about. अगर हमें जनरल वे को समझना है, अगर आप मीन ऑफ स्प्रेड आपको याद होगा,
तो डिजीज का मीन ऑफ स्प्रेड था ट्रांसमिशन, ताकि कैसे डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो रही है, अगर आपको वो पता है तो जनरल वे बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन में होता क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, राइट, हमने मीन ऑफ स्प्रेड पढ़ा कि जो एयर बॉर्न डिजीजेज है वो कैसे है कि वो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से जब वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जब कोई नियर बाई पर्सन वहाँ पर रह रहा है, ब्रीदिंग करेगा, तो उस एयर के थ्रू वो माइक्रोब्स नया होस्ट ढूंढ लेते हैं, मतलब एलडी को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, राइट। तो जो एयर बॉर्न डिजीजेज हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, कफ है, राइट, जो एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, एयर बॉर्न डिजीजेज कैन प्रिवेंट लिविंग इन लेस क्राउडेड एरिया। ऑब्वियसली अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो उसके नियर जाने का कोई फायदा नहीं है, आप उससे डिस्टेंस कर रही है, राइट, क्योंकि अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, जब वो आप उसके पास रहोगे, राइट, अब तो क्या होगा कि वो कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे, वो एयर में मिक्स हो जाएंगे और वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो टीबी का पेशेंट है उसको आइसोलेट कर लिया जाता है, राइट, जो पेशेंट होते हैं उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसे डिस्टेंस पर रहना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि इनसे डिस्टेंस, इनकी चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए, इनसे डिस्टेंस बना करके रखिए। सो एयर बॉर्न डिजीजेस कैन प्रिवेंट लिविंग इन लेस क्राउडेड एरिया, आप उस एरिया में रहिए जहाँ पर भीड़ ना हो, तो चांसेस कम हो जाते हैं एयर बॉर्न डिजीजेस के फैलने पर। इससे आप एयर बॉर्न डिजीजेस लाइक निमोनिया, टीबी एक्सेट्रा डिजीजेस जो है उससे आप प्रिवेंट रह सकते हैं। सेकेंड इन वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस आपको पता है कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को यूज करने से वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, राइट, जैसे कि कॉलरा है, टाइफॉइड है, अगर आप अनक्लीन फूड, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉलरा से सफर कर सकते हैं, ऐसा चांसेस है। तो जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं लाइक कॉलरा कैन प्रिवेंट व्हेन वी ड्रिंक क्लीन वाटर, जब आप क्लीन वाटर पियेंगे विद द हेल्प, आप उसको वाटर को बॉइल कर लीजिए या फिर वाटर प्योरीफायर, राइट, उसकी हेल्प से आप वाटर को क्लीन करके ड्रिंक कीजिए। ओपन जो वाटर है उसको यूज कभी ना कीजिए ड्रिंकिंग के लिए, राइट। सो अगर आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यूज करेंगे तो आप वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कि आपको टाइफाइड है, कॉलरा है, इन सब डिजीज से आप बच सकते हैं, राइट। थर्ड है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कैन प्रिवेंट व्हेन वी लिव इन हाइजेनिक एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली आपको पता है वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैथोजेन है उनको कैरी करते हैं, राइट, समवन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो मॉस्किटो जो वेक्टर्स है वो क्या करेगा, उस पर स्पीड करेगा, उसके ब्लड को शक करेगा, राइट, और जब यही मॉस्किटो जो जिसने इन्फेक्टेड मलेरिया के पेशेंट से ब्लड को शक किया है, वो जब किसी अनदर हेल्दी पर्सन पर जाकर स्पीड करेगा तो ऑब्वियसली उससे भी ब्लड को शक करेगा, राइट। तो जो उसमें जब वो ब्लड को शक करेगा तो जो उसके अंदर मलेरिया काजिंग पैथोजेन यानी प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देगा और वो भी मलेरिया से सफर करने लगेगा, राइट। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो है वो कैसे प्रिवेंट हो सकती है, जब हम अपने आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हाइजेनिक हो, राइट, हमारे आसपास कहीं पर वाटर कलेक्शन ना हो, सीट ना हो जिसमें जो रेन वाटर है वो कलेक्ट हो, बिकॉज आपको पता है कि जो मॉस्किटो होते हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए वाटर चाहिए होता है, राइट, अगर कहीं पर भी डर्टी वाटर्स है लाइक एयर कूलर है उसमें भी वाटर्स होते हैं, उसके वाटर को भी साफ करना चाहिए, या फिर आपके घरों के आसपास जो ओपन डंप है या फिर जो पिट होते हैं उसमें रेन वाटर फिलअप हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है मॉस्किटो काफी अधिक क्या करते हैं, काफी ज्यादा ब्रीडिंग कर लेते हैं, तो उनकी जो ब्रीडिंग के लिए प्लेस मिल जाता है, नंबर ऑफ मॉस्किटो जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, मतलब वेक्टर क्या होते हैं बढ़ जाते हैं, तो डिजीज का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज से आप तभी प्रिवेंशन कर सकते हैं जब आप अपने घर के साथ साथ, अपने होम के साथ साथ, अपने आस पास का जो एरिया है उसको भी हाइजेनिक बनाए, क्लीन बनाए, राइट। सो ये थ्री जनरल वे हैं प्रिवेंशन के। इन्फेक्शियस डिजीज से आप अगर इस तरीके से आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पियोगे, लेस क्राउडेड एरिया में रहोगे, अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखोगे, तो आप इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं, राइट।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आपके क्लास में कोई पर्सन है राइट, कोई स्टूडेंट है जिसको कफ या कॉमन कोल्ड है, राइट, क्या है कफ या कॉमन कोल्ड है, आपको पता है ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, कफ एंड कॉमन कोल्ड डिजीज है वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड इन द क्लास, राइट, अगर आपके क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्या है कॉमन कोल्ड है, तो इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रेन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, राइट। तो चांसेस है भाई, अब एक क्लास में आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जिसको कॉमन कोल्ड या कफ है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जब उसके पास में कोई बैठेगा आकर के, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ये इसको भी हो जाएगा, या ये जो ये डिजीज है कॉमन कोल्ड और कफ, ये तो एयरबॉर्न डिजीजेज है, राइट, ये पूरे क्लास को हो जानी चाहिए, पूरा होल क्लास कॉमन कोल्ड एंड कफ से सफर करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई आपकी क्लासेस में किसी को कॉमन कोल्ड है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे क्लास को कॉमन कोल्ड हो जाए, हो सकता है किसी एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को और हो जाए, या फिर दो तीन स्टूडेंट को हो जाए, या फिर किसी को ना हो, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों सभी को नहीं होता, होना तो सभी को चाहिए। अगर हमने जो अभी तक पढ़ा कि ये क्या एयरबॉर्न डिजीजेज हैं, और क्लास में नियर अबाउट 50 स्टूडेंट रहते हैं, 50 स्टूडेंट हैं, तो सबको हो जाना चाहिए, सब के सब क्या करें कॉमन कोल्ड से सफर करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हाट दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है, वो हर वक्त माइक्रोब से फाइट करते रहते हैं, उनकी फाइटिंग माइक्रोब से होती रहती है। वी हैव सेल दैट इज स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, और वो माइक्रोब्स को किल करते रहते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दो स्टूडेंट है ए एंड बी, राइट, ए इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, और कफ कुछ भी हो सकता है, एंड बी इज हेल्दी एंड सी इज ऑलवेज हेल्दी, राइट, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी तीन के तीनों स्टूडेंट एक ही सीट पर बैठ रहे हैं, राइट, तो ये क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है किससे, कॉमन कोल्ड से, और तीनों एक ही सीट पर बैठते हैं, राइट। तो आप देखेंगे जब कुछ टाइम के बाद हम मान लेते हैं कि सी जो है इसको भी कॉमन कोल्ड, ये भी क्या हो गया, कॉमन कोल्ड से सफर करने लगा, इन्फेक्टेड हो गया इसके इफेक्ट, राइट, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीजेस है, इसने स्नीज किया, इसकी वजह से माइक्रोब्स जो है इसकी बॉडी में इंटर कर गए, राइट। लेकिन बी इज हेल्दी, बी क्या है, अभी भी हेल्दी है, ये कॉमन कोल्ड से सफर नहीं कर रहा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो हमेशा क्या करता है, माइक्रोब से फाइट करता है। तो जब ये यहाँ पर स्टेट कर रहा था, तो बी एंड सी का जो इम्यून सिस्टम है वो कॉमन कोल्ड कॉजिंग पैथोजन से फाइट कर रहा था, और जो सी का इम्यून सिस्टम है वो फेल हो गया, हार गया, वो माइक्रोब से हार गया, और माइक्रोब जब विन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, कॉमन कोल्ड से सफर करने लगा। लेकिन जो बी इज वेरी स्ट्रांग, इसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसने क्या किया, माइक्रोब्स को किल कर दिया, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जो बी है इसका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल कैसे है, क्यों सी का वीक है। तो दिस इज वन रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड, राइट, क्योंकि बी का इम्यून सिस्टम इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये हेल्दी है। हेल्दी होने का मतलब है ये है कि इसको प्रॉपर वेल नरिश्ड एंड सफिशियंट फूड मिला, राइट, इसने प्रॉपर एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से ये हेल्दी और इसका इम्यून सिस्टम हेल्दी है। लेकिन सी वीक इसलिए है, इसका इम्यून सिस्टम इसलिए फेल हो गया किल करने के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट हेल्दी ड्यू टू नॉट अवेलेबल ऑफ प्रॉपर फूड, राइट, क्या है, इसके पास प्रॉपर वेल नरिश फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है भाई, इसीलिए इसका इम्यून सिस्टम वीक है, और इसीलिए ये ए के नियर में आते ही उसी वक्त कॉमन कोल्ड से सफर करने लगा। तो
फोर्थ ये होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड फॉर एवरीवन। अगर सबको प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड मिले राइट, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा, और जो हर वक्त आप इन्फेक्शन को फेस करते हैं, ऑब्वियसली आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, पॉल्यूटेड है राइट, मेनी हार्मफुल गैसेस, मेनी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स आपके जो इन्वायरमेंट में है वो, उससे हमें लड़ना है। और उससे हमें फाइट कौन करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम। और हमारा इम्यून सिस्टम तभी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, तभी स्ट्रांग होगा, जब हम वेल नरिश्ड फूड लेंगे, हमारे पास प्रॉपर फूड होगा, सफिशियंट फूड होगा, हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा ऑब्वियसली, और हमें कोई डिजीज नहीं होगी। तो ये फोर मेन टॉपिक्स हैं जो जनरल वे में आते हैं प्रिवेंशन के, जो प्रिवेंशन का जनरल वे है उसमें ये फोर टॉपिक्स हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस कैन प्रिवेंट व्हेन इन लिविंग इन लेस क्राउडेड एरिया, वाटर बॉर्न डिजीजेस कैन प्रिवेंट व्हेन वी ड्रिंक क्लीन वाटर, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कैन प्रिवेंट व्हेन वी लिव इन हाइजेनिक एनवायरमेंट, एंड फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशियंट फूड फॉर एवरीवन। अगर ये सब आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। और प्रिवेंशन बेटर है ट्रीटमेंट के भाई, जब आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगी तो भाई रहिए, बेड रेस्ट कीजिए, आप मेडिसिन लीजिए, बेड रेस्ट कीजिए, उसके बाद क्या होंगे, आप सोर्स भी बन जाएंगे उसको स्प्रेड करने का, आपका लॉस होगा, आप क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे, अपना पढ़ाई वर्क नहीं कर पाओगे, अपने काम को भी नहीं कर पाओगे, और इसके बाद आप कमजोर हो जाओगे, वीक हो जाओगे राइट। हो सकता है कभी रिकवर ना हो पाए, या फिर हो सकता है कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाओ, बट लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसीलिए प्रिवेंशन क्या है, जरूरी है। तो ये जनरल वे था, स्पेसिफिक वे जो है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए जो स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन है, द स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन। इसमें क्या आता है, इम्यूनाइजेशन आता है, और इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है, टेकिंग वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके?